हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज हम ये BS6 125 में हस्क्वारना जो 250 होता है उसका साइलेंसर इंस्टॉल करेंगे। ये देखो भाई BS6, अरे देखो साइलेंसर, ये हस्क्वारना का ओरिजिनल साइलेंसर, तो इसमें फिट करेंगे ऐसे। तो देखते हैं इसके फिट करने के बाद कैसे साउंड आता है इस साइलेंसर से लग। तो चलो फ्रेंड, इसको लेद में जाके इसको इंस्टॉल करेंगे। ये जो पार्ट है इसको पूरा टोटली रिमूव करना है, उसके बाद इसको एक क्लैंप से इंस्टॉल करेंगे। तो देखते हैं लेद में मिलते हैं। तो फ्रेंड, लेद में आ गए हैं हम लोग। तो पहले जो इसका जो ओरिजिनल साइलेंसर का जो कैटलिक कन्वर्टर था वो पूरा ग्राइंडर के हेल्प से काट देंगे। और तो फिर उसके बाद एक 1.5 इंच का जो पाइप होता है, जो लोहे का पाइप होता है, उसको माप करके काट लेंगे। काटने के बाद उस ओरिजिनल जो साइलेंसर है उसमें अटैच करेंगे। तो वेल्डिंग के मदद से जो कैटलिक कन्वर्टर है उसका जो होल है उसको बड़ा कर लेंगे साउंड के लिए। अब साइलेंसर का जो ठीक ठाक मेजर करके से ठीक जगह पर बैठा के उसमें जो पॉइंट है वो कर लेंगे। उसके बाद उसको प्रॉपर वेल्डिंग करेंगे। तो अब बारी है इस पाइप को प्रॉपरली वेल्डिंग करके फिक्स कर देना, क्योंकि यहाँ से लीक होगा तो साउंड जो है हमारा खराब हो जाएगा, इसलिए इसको सही से वेल्डिंग करना होगा। तो इसके बाद का जो साउंड है विदाउट जो साइलेंसर है इसका साउंड एकदम लाजवाब साउंड है। ऐसे ही बहुत अच्छे साउंड हो रहा है, बट ये बहुत लाउड है। मुझको लाउड नहीं, सॉफ्ट साउंड चाहिए। तो सब कुछ करने के बाद हमारा जो काम है अब इसका साइलेंसर का जो गैस किट है उसको बनाना होगा। तो उसको बनाने के लिए हम लोग जो कपड़े का जो टुकड़ा होता है उसकी मदद लेंगे। इस कपड़े के गैस किट से तो लीक नहीं होगा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब साइलेंसर को कैटलिक कन्वर्टर से कनेक्ट करेंगे। साइलेंसर के अंदर एक क्लैंप जो है पहले से ही अटैच करके रखा है उसको टाइट करने के लिए। I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs and I finna turn up when the night. तो इसके बाद क्लैंप को जो है सही जगह पर रखकर उसको अच्छे से टाइट करना है।
बारी है साइलेंसर का जो ऊपर का हिस्सा है उसको टाइट करने के। तो उसको टाइट करने के लिए हम लोग जो है एक बड़ा बोल्ट यूज़ करेंगे, और बड़ा बोल्ट और जो मिडिल में जो छोटा गैप है उसके अंदर एक बूस्ट इंस्टॉल करेंगे, नहीं तो साइलेंसर का जो क्लैंप है वो पूरा दब जाएगा। इसलिए तो अब इस बोल्ट को जो है अच्छे से टाइट कर देंगे एकदम फिक्स। नाउ रेडी हमारा जो साइलेंसर है। फाइनली फ्रेंड, इसका जो हस्कुआना का जो साइलेंसर है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो इसका जो साउंड है सुन लो पहले। इसका साउंड है वो ठीक ठाक है, मतलब एक सॉफ्ट टाइप का है, जो हस्कुआना में होता है वैसा साउंड तो नहीं है, इसमें चलेगा। तो फ्रेंड इसका जो साउंड है एकदम नॉर्मल है। और ये जो साइलेंसर है यहाँ से एक 1.5 इंच का जो पाइप है वो लगाया, 1.5 इंच का जो पाइप होता है वो लगाया। और ये टोटली जो है रिमूवल है, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो रिमूव करने के बाद ये जो रिमूव करने के बाद जो साउंड है वो भी आप सुन लो, मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा। रिमूव करने के बाद जो साउंड है ना वो एकदम बढ़िया आता है एकदम। और फिर इसमें जो एक जो प्लेट है इंस्टॉल करना हुआ, यहाँ पे जो स्क्रू का पॉइंट कंपनी से ही होता है और हमने एक बोल्ट लगा दिया यहाँ पर, तो ये जो प्रॉपरली फिक्स होगा एकदम कंपनी टाइप का। तो फिर ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।